नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाब की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जो आपको अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि इस वैरायटी को लगाने के बाद आपके घर और गार्डन में फूलों की बरसात हो जाएगी यानी कि आपके गार्डन में इतने फूल आएंगे जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे अच्छी गुलाब की वैरायटी के बारे में उसकी मिट्टी के बारे में उसके गमले के बारे में और सबसे ज़रूरी चीज़ गुलाब में हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए ताकि आपके गुलाब में भी ज़्यादा ज़्यादा फूल आ पाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह की वीडियोस हर रोज देखने के लिए आप अभी हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो चलिए अब बात करते हैं गुलाब की सबसे अच्छी वैरायटी जिसको कि हम लोग गमले में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं तो अभी मैं जिस नर्सरी पे हूँ इस नर्सरी पे काफ़ी सारे गुलाब रखे हुए हैं काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में तो इसमें से ज़्यादातर जो गुलाब हैं वो हैं ग्राफ्टिड हाइब्रिड रोज़ तो ग्राफ्टिड हाइब्रिड रोज़ गमले के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि गमले में इनकी जो रूट्स हैं वो रूट बाउंड नहीं होती दो से तीन साल तक और दो से तीन साल तक हम इनको गमलों में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं लेकिन जो देसी वाला गुलाब होता है उसको गमले में लगाना सही नहीं रहता क्योंकि जो देसी गुलाब और रूह गुलाब होते हैं उनकी जड़ें काफी ज्यादा फैलती हैं तो गमले में बहुत जल्दी उनको रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ने लगती है लेकिन आज की वीडियो में ना हम देसी गुलाब के बारे में बात करने वाले हैं ना हम हाइब्रिड ग्राफ्टेड रोज के बारे में बात करने वाले हैं हम एक तीसरी वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि देखने में भी, भी काफी ज़्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है तो वो है स्टैंडिंग रोज तो जो आपको अपने सामने पौधा दिख रहा है ये है स्टैंडिंग रोज तो जैसा कि इसका नाम से ही पता लग रहा है स्टैंडिंग यानी कि ये गुलाब जो होता है ये ऊपर की तरफ से तो काफी ज्यादा फैलता है काफी ज्यादा ग्रो करता है काफी ज्यादा बुशी बन जाता है लेकिन नीचे की तरफ से बिल्कुल सीधा होता है और इस पौधे की हमको ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती बस टाइम टू टाइम हमको इसकी कटिंग और प्रोनिंग करनी होती है वो भी ऊपर से तो चलिए अब जानते हैं ये गुलाब का पौधा आखिरकार हमको कितने का मिलेगा तो इस गुलाब के पौधे की जो प्राइस है वो बाकी गुलाब की वैरायटी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है तो ये पौधा जो दस इंच की पन्नी में लगा होता है वो हमको छः से सात सौ का मिल जाता है और वहीं अगर ये पौधा किसी गमले में लगा हो तो उसका जो प्राइस है वो हज़ार रुपये तक भी पहुँच जाता है और इसका प्राइस डिपेंड करता है इसकी एज पर जितना ज़्यादा पुराना ये प्लांट होता रहेगा जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी नीचे से स्टेम की उतना ही ज्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी तो इस नर्सरी पर कुछ चार से पांच हजार रुपए के प्लांट भी मेरे को देखने के लिए मिले थे और अगर हम बात करें कलर ऑप्शंस के बारे में तो इसमें चार से पांच कलर मोस्ट कॉमन हैं जैसे कि पिंक रेड ऑरेंज येलो वाइट तो सभी कलर्स के जो स्टैंडिंग रोज हैं आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस पौधे को बनाया किस तरीके से जाता है तो जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ से दो अलग अलग गुलाब के पौधों को ग्राफ्ट किया गया है जो ये नीचे वाला पार्ट है ये गुलाब की एक अलग वेरायटी है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो गुलाब की एक अलग वेरायटी है तो दोनों ही गुलाब की वेरायटी को ग्राफ्ट करके ये ऐसा स्टैंडिंग रोज़ का पौधा बनाया जाता है तो इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर रोज़ वेराइटीज़ तो चलिए अब बात करते हैं आखिरकार क्यों हमारे हेल्दी और ग्रीन रोज प्लांट के ऊपर अचानक से फूल आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं और अगर फूल आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में आते हैं तो उसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न होता है पौधे के नीचे से सकरस का निकलना तो क्योंकि जो हमारा ग्राफ्टिड प्लांट होता है उसके नीचे से सकरस बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं और हम उनको कट नहीं करते उस पर ध्यान नहीं देते इसलिए हमारा जो ऊपर वाला पौधा होता है वो सूखने लगता है तो सकरस वो पार्ट होता है पौधे का जो ग्राफ्टड वाले पोर्शन के नीचे से निकलता है तो क्योंकि ये जो पार्ट है वो सबसे नीचे होता है पौधे में तो जड़े जो भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लेती हैं वो सबसे ज़्यादा इसको ही मिलता है और ये अपनी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाता रहता है और धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है और ऊपर वाला जो हमारा पौधा है वो सूखने लगता है और जो सकर्स होते हैं ये होते तो रोज़ की ही वेरायटी हैं लेकिन ये बिल्कुल जंगली और वाइल्ड पौधे होते हैं तो आपको इनको टाइमली काट देना है नहीं तो क्या होगा ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहेंगे आपका पौधा तो हरा भरा रहेगा लेकिन इनके ऊपर फ्लावर नहीं आएंगे और ऊपर वाला पौधा तो आपका सूख ही जाएगा तो आपको सकर्स का खास ध्यान रखना है तो चलिए अब बात करते हैं गुलाब की सॉइल और न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो गुलाब का जो पौधा होता है उसको एक ऐसी मिट्टी पसंद होती है जो कि वेल ड्रेन हो यानी कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो ईजिली ड्रेन आउट हो जाए तो अगर आपके एरिया की मिट्टी थोड़ी सी क्लेई है यानी कि चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें रिवर सैंड मिला दीजिए बहुत ईजिली आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन शॉप पर मिल जाती है रिवर सैंड उससे क्या होगा मिट्टी की जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाएगी और मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा और अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो गुलाब के पौधे को बर्ड्स और फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम कैल्शियम सल्फर मैग्नीशियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयरन बोरॉन क्लोरीन मैगनीज जिंक कॉपर मोलिबिडनम और निकल तो इन सभी न्यूट्रियन्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने पौधे में फर्टिलाइज़र ऐड करते रहने होते हैं यानी कि न्यूट्रियट्स ऐड करते रहने होते हैं तो आज मैं आपको बताता हूँ तीन ऑर्गेनिक चीज़ें जो कि है नीम खली सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट इन तीनों चीजों को आपको इक्वल रेशियो में मिला लेना है और मिलाने के बाद 10 से 15 इंच के गमले में आपको दो दो चम्मच इस फर्टिलाइजर की डाल देनी है हर तीन से चार महीने में अगर आप ये फर्टिलाइजर कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और ये तीनों ही बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स हैं तो आप इनको सेफली यूज़ कर सकते हो इनसे आपकी हेल्थ को और प्लांट की हेल्थ को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा और ये देखिए ये है स्टैंडिंग रोज का येलो कलर तो मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं तो जो भी कलर आपको पसंद आए आप वो अपने घर में ज़रूर ग्रो कीजिएगा और ये देखिए ये जो प्लांट है कितना ज़्यादा ग्रीन है कितना ज़्यादा हेल्दी है तो इसका कारण ये है कि इसके ऊपर टाइम टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे किया जाता है और नीम ऑयल का स्प्रे आपको बार बार करना पड़ता है यानी कि फ्रीक्वेंटली स्प्रे करना पड़ता है जैसे कि हर हफ्ते उसी से अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि जो गुलाब का पौधा होता है इसके ऊपर एफिड्स और मिलीबक्स जैसे पेस्ट काफी ज़्यादा अटैक कर देते हैं तो पेस्टिसाइड का भी टाइम टू टाइम स्प्रे करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है और एक चीज आपको और ध्यान रखनी होती है गुलाब के पौधे को हमेशा आप एक ऐसी जगह पर ही लगाएं जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सूरज की रोशनी मिले क्योंकि इंडोर ये पौधा बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा और अगर आपने इसको किसी शेड वाले एरिया में लगा दिया तो वहाँ पर भी इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए आप अभी मुझको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं